आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी और चने के दाल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आपने पहले इस रेसिपी को कभी भी नहीं बनाकर खाए होंगे, तो एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई करना जरूर बनता है। वीडियो को पूरा ध्यान से बने रहिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हम ले लेंगे 1.5 कप सूजी। तो हमने 1 कप और प्लस आधा कप सूजी लिया है। सूजी आप लोग चाहे तो कम ज़्यादा ले सकते हो, और इसमें सूजी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मोटा या महीन कोई सा भी। फिर हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे और हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच तेल। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो आप लोग इसमें जितना सूजी यूज़ करेंगे ना, उतना ही आप लोग को पानी डालना है। तो 1.5 कप हमने पानी को डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक को डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा नमक को डालना है। इसके बाद क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हाई या मीडियम पर रखकर हम इसमें उबाल आ जाने दे देंगे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार तो जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्ट और हेल्दी रेसिपी है। मिला लेंगे सभी को। तो बस उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी को। सूजी को एक बड़े से कटोरे में रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब आप लोग सूजी को डालेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग सूजी डाल दें ना, तो फटाफट चलाते रहिएगा। तो आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं कि हम ऊपर से डाल रहे हैं और नीचे से चला रहे हैं। तो आप लोग को भी सेम ऐसे ही करना है, और ऐसे करेंगे तभी एकदम परफेक्ट बनेगा। मिला लेंगे सभी को। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट पका लेंगे। या आप लोग उतना पका जब तक पूरा डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो देख रहे हैं ना, पूरा डो के फॉर्म में आ गया, थोड़ा टाइट भी हो गया। तो गैस को बंद कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सारे मिश्रण को एक बड़े से प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दे देंगे। चलिए आगे के प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हम ले लेंगे आधा कप चने का दाल। इसको हमने 6 से 7 घंटे तक पानी में ऐसे छोड़ दिया था। 6 से 7 घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं कैसा हो गया है। तो इसको पानी से धोकर हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। जब आप लोग इसको पीसेंगे ना, तो पानी का मात्रा बहुत ही कम करें और एकदम इसको स्मूथ पीस लें। तो लीजिए, हमने इसको पीस लिया है। तो चलिए आगे के प्रोसेस को देख लेते हैं। ये गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, टाइट ही होना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा सामान। तो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा हींग को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर को डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर को डाल देंगे। लाल मिर्ची पाउडर आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हम इसमें काली मिर्ची जीरा पाउडर को डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च को डाल देंगे, आप लोग हरी मिर्च अपने अनुसार डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा सब्जी। तो थोड़ा सा हम इसमें गोभी को डाल देंगे, गोभी को हमने कद्दूकस पर ग्रेट कर लिया है। सर थोड़ा सा हरे धनिया को भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, या तो छोड़ भी सकते हैं, बिना सब्जी के भी बना सकते हैं, लेकिन सब्जी डालने से थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार नमक को डाल देंगे। तो बस सब बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे को मिला लेंगे। तो बस स्टफिंग बनकर तैयार हो गया, इसको साइड में कर लेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा स्टफिंग बना हुआ है। तो हम इस स्टफिंग को आगे यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको साइड में कर लेंगे। तो अब हम फटाफट सूजी वाला मिश्रण को मिलाएंगे। तो हमें इसको पूरा डो के फॉर्म में ला देना है। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा ले और पूरा हम इसको टाइट हाथ से क्या करेंगे, मिलाएंगे, पूरा डो के फॉर्म में ला देंगे। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हम इसको कैसे मिला रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मिश्रण है ना, पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए। जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो फिर डो के फॉर्म में नहीं आएगा। तो जब थोड़ा गर्म ही रहना तभी मिलाना शुरू करें। तो अब हम एक चकला को ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इसको बनाना। इसको बनाएंगे कैसे, आखिर इस स्पेशल नाश्ता को, बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस लगने वाला है ये। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर को ले लेंगे, जो जाली वाला बर्तन आता है ना उसको ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना।
तो थोड़ा सा हम पहले सूजी का मिश्रण ले लेंगे, उसमें से क्या करेंगे छोटा छोटा डो के फॉर्म में निकालेंगे। तो पहले हम चार बनाएंगे, तो एक मिश्रण को क्या करेंगे हम इसको हाथ से गोल करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। फिर हम बेलन की सहायता से हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। तो बस बेल लिए, जैसे पूड़ी बेलते ना बस वैसे ही बेल लेना है। तो बेल लिया है, अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें स्टफिंग को डाल देंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है। डाल दिया, इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें हल्का सा पानी लगा लेंगे। पानी अगर आप लोग को लगे कि लगाना पड़े तब लगाइएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। पानी हम लगा रहे चिपकाने के लिए ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। फिर हम क्या करेंगे दूसरे साइड को पहले वाले पर रख लेंगे और जो भी है ना एक्स्ट्रा तो उसको क्या करेंगे हाथ की सहायता से प्रेस कर लेंगे। तो जैसा कि वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, तो ये बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि इसको कैसे बनाए। बनाने का तरीका वही, बस थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज आ जाएगा। पहले बेल लेंगे, स्टफिंग को डाल देंगे। पानी अगर आप लोग को लगे कि लगाना है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो दूसरे में हमने नहीं लगाया, तो पहले वाले जैसे रख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हल्का हल्का करके चुटिया बना लेंगे, जैसे आप लोग गुजिया बनाते ना हाथ से, बस वैसे ही बना लेना है। तो लीजिए हमने सारे को बनाकर तैयार कर लिया है, आप लोग को जो सूटेबल लगे बनाने में उसको बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रोसेस की ओर देख लेते कि आगे क्या करना है। तो गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे, 2 से 3 कप हम इसमें पानी को डाल देंगे। जब पानी में अच्छा सा उबाल आने लगे ना तो क्या करेंगे जो हमने जाली वाला बर्तन यूज़ किया ना इस बर्तन को रख लेंगे। तो बस रख लिया है सिंपल। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख लेंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट तक हम इसको स्टीम हो जाने दे देंगे। तो फाइनली 10 मिनट के बाद ही चेक करेंगे, वो टाइम ऊपर नीचे लग सकता है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 10 मिनट के बाद पूरा अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोग का भी एकदम ऐसा ही होना चाहिए। तो फटाफट आगे के प्रोसेस को देख लेते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दे देंगे। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो क्या करेंगे इसमें से 2-2 पार्ट कर लेंगे। आप ये तो 3-4 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 ही करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लीजिए हमने सारे को कर लिया है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं बहुत ही कम तेल में बनाना। तो गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच हम तेल को डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों का दाना। सरसों के दाना से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल को डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ऑप्शनल है तो डालें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये थोड़ा उड़ेगा तो ध्यान से ही करिएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसमें कड़ी पत्ता को डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कड़ी पत्ता से। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा कलर भी आ जाएगा और ज़्यादा तीखा भी नहीं बनेगा। तो बस हमने डाल दिया, सभी को मिला लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे नाश्ता को, डाल दिया है। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, पूरा पहले मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट पूरा क्रिस्पी बन जाएगा। तो बस बनकर तैयार हो गया है नाश्ता, है ना कितना ज़्यादा आसान रेसिपी। आई होप कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा, मज़ा आ जाएगा खाकर। और आज से पहले आप लोगों ने इस रेसिपी को नहीं खाए होंगे तो एक बार तो ट्राई करना ज़रूर ही बनता है। तो बस बनकर तैयार हो गया, अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर लेंगे। चलिए फटाफट सर्व करने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो फटाफट हम इसको सर्व कर लेंगे। वाव, है ना एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी, मज़ा आ जाएगा आप लोग को खाकर। हम इसको हरी धनिया के चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। वाव, एकदम माउथ मेल्टिंग रेसिपी। तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।